मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू गोभी की सब्जी, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए। उनको आलू गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है और वन ऑफ फेवरेट रेसिपी फॉर माय हस्बैंड। तो सोचा मैं उनकी फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ। कभी कभार वो मेरी फरमाइश पूरी करते हैं तो मैं भी कर देती हूँ, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स देखिए, आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले चाहिए 100 ग्राम गोभी और 2 छोटे आलू। ये आलू इस शेप में काट लिए मैंने, और प्याज लिए हमने 2, इसको इस साइज में काट लिए हैं। और राई लेंगे आधी चम्मच, राई, ग्रीन चिली 1, और लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ 2-3 कलियाँ, और आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया और 1 चम्मच रेड चिली और 1 टमाटर। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल। आप तेल मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हैं, इसमें सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज ना करें क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं आपको ऑयल के बारे में ही बता देती हूँ, क्योंकि जो मूंगफली का तेल और सरसों का तेल, सबसे बेस्ट तो सरसों का तेल ही होता है। आप कौन सा ऑयल यूज में करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। तेल गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है, दिख रहा है आपको। इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच राई के दाने, थोड़ा सा तड़का लगने देंगे राई के दानों को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तड़का लग चुका। अब इसमें डालेंगे हमारे प्याज, प्याज के संग भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा। तो प्याज वो गोल्डन ब्राउन हो जाती है लेकिन लहसुन कच्चा रह जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इन दोनों को एक साथ ही फ्राई करेंगे। और इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए लहसुन और प्याज। प्याज और लहसुन दोनों फ्राई हो चुके हैं, इसमें डालेंगे हम हमारी गोभी, साथ ही डालेंगे आलू, इसको फ्राई करेंगे। देखिए प्याज, लहसुन और गोभी और आलू तीनों को हमने अच्छे तरह से मिला। इसके बाद में डालेंगे इसमें हल्दी, नमक, सारे मसाले डाल देंगे इसमें, धनिया और रेड चिली। मिला लेंगे अच्छे तरह से, अंदर कलर आया है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अब ये सारे मसाले जले नहीं, इसलिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, नहीं तो गोभी सारी हलवा हो जाएगी। और इसको हम ढककर रख देंगे करीबन 2 मिनट्स के लिए। आलू गल चुके हैं लेकिन गोभी अभी गलना बाकी है गोभी को, लेकिन इसी बीच में हम बीच में ये 1 टमाटर डाल देंगे, इसको इसके ऊपर कवर करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएंगे। और इसको ढककर रख देंगे हम करीबन 2 मिनट के लिए। और हमारे आलू और गोभी दोनों गल चुके हैं, हाथी में आपको ये आलू है, ये गोभी भी गल चुके हैं। इसको ज़्यादा हलवा ज़्यादा पकाएंगे नहीं, नहीं तो गोभी बिल्कुल हलवा हो जाएगी और आलू भी हलवा हो जाएंगे, इसलिए इनको कम ही पकाना है। इसके बाद में डालेंगे हम हरा धनिया, हरे धनिया का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसमें, इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मिलाने के बाद में इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जस्ट 30 सेकेंड। ये आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार है।